हाय दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो अपलोड करने का सही तरीका बताने वाला हूँ जो किसी किसी को नहीं जमता है, जो कैसे भी अपलोड कर देते हैं, इसके लिए व्यू नहीं आता है, किसी का वीडियो सर्च में नहीं जाता है, किसी के वीडियो पे व्यू नहीं आता है, 3-4 व्यू पे रुक जाता है। तो मैं आज आपको अपलोड करने का सही तरीका बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं आपको समझा दूंगा, फिर आपके वीडियो में व्यू आना शुरू हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, तो देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें YouTube पे जाना है, YouTube ऐप पे जाना है पहले। तो ये पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। ये पेज ओपन होने के बाद जो प्लस वाला बे आइकन दिख रहा है, प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है और अपलोड अ वीडियो इसके ऊपर क्लिक करना है। अपलोड अ वीडियो इसको ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको जो वीडियो अपलोड करना है वो वाला वीडियो ले ले लो, जो आपको वीडियो अपलोड करना है वो वाला वीडियो ले लो आप। तो मैं ये वाला वीडियो ले ले रहा हूँ। तो ऐसा वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बना रहा था वीडियो, तो ये वाला वीडियो ले रहा हूँ। इस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी करेक्ट अ टाइटल जो वाला, ये वाला दिख रहा है आपको, करेक्ट अ टाइटल। तो इधर पे टाइटल लिखने का है। टाइटल में मैं अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो उनका टाइटल में छत्रपति शिवाजी महाराज में टाइटल में लिख देता हूँ। तो टाइटल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर टाइटल आप नहीं लिखोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप कौन से टाइटल पे वीडियो बना रहे हो। तो इसके लिए टाइटल लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हाँ, टाइटल ज़रूर लिखना दोस्तों, टाइटल बहुत ज़रूरी है। और डिस्क्रिप्शन भी लिखना बहुत ज़रूरी है, दोनों भी। ये दोनों मैच होंगे तभी ये हो जाए। और मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, ये तो मैं पहला हिंदी में लिखा हूँ, बाद में फिर दो बार लिखने का, इंग्लिश में भी एक बार लिखने का दोस्तों। हाँ, दोनों बार लिखने का, इंग्लिश में भी मैं एक बार लिख देता हूँ। मतलब वही आएगा, मेरा तो सेम वही आएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। पर आप क्या करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी लिख दे तो आपका वीडियो सर्चिंग में चला जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। इंग्लिश में भी यही वर्ड्स आता है, इसलिए मैं यही लिखा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, ये देखिए का दोस्तों। और इधर पे अनलिस्टेड पे ही रहने देने का दोस्तों। हाँ, फिर बाद में जाके यूट्यूब स्टूडियो में रखे फिर चेंज करने का है, तो अनलिस्टेड में ही रहने देने का। अभी दूसरा भी और बहुत काम बाकी है। डिस्क्रिप्शन देखो दोस्तों, तो पीछे जाता हूँ मैं, अभी पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तब तक समझ में नहीं आएगा, फिर आपको स्किप करके मत देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, अनलिस्टेड में ही रहने देने का इसको। पब्लिक करोगे तो फिर फटाक से चला जाएगा पब्लिक के पास, इसलिए अनलिस्टेड में रहने देने का, अपने को और काम बाकी है बहुत अपलोड करने का। तो मैं दोस्तों पीछे आ जाता हूँ। अब इधर पे देखिए, नो इट्स मेड किड वो कर देने का, सेकंड वाला। और बाद में YT स्टूडियो पे चले जाने का, डायरेक्ट YT स्टूडियो पे चले जाने के बाद ये देखिए दोस्तों, कंटेंट पे क्लिक करने का है। अभी कंटेंट पे जाने के बाद ये देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जो फर्स्ट वाला अपना ही वीडियो है, मतलब अपलोडिंग में चला जा रहा है, अभी अपलोडिंग में है। अभी चेक स्टार्टिंग सन, मतलब चेकिंग चालू है अभी उसका। इसके लिए वो ये अभी रेस्ट्रिक्शन, मतलब आपका कॉपीराइट है या नहीं है वो पता चलता है उधर पे। तो इधर पे देखिए दोस्तों, टैग कैटेगरी कमेंट एंड मोर। तो अपने को अभी टैग्स वगैरह देखिए दोस्तों, टैग करोगे तो ये अपना वीडियो सर्चिंग में चला जाता है, नहीं तो नहीं जाएगा। ऐड डिस्क्रिप्शन, अभी नोट डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आपको नोट्स में पहले पूरा ये करिए, बाद में फिर डिस्क्रिप्शन लिखिए, इसलिए नहीं तो टाइम लगता है बहुत, इसलिए। तो दोस्तों इधर पे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, मतलब छोटे बच्चों के लिए वीडियो दोनों के लिए ये, इट्स मेड फॉर किड्स, मतलब छोटे बच्चे के लिए है क्या। और नो डोंट रेस्ट्रिक्स माय वीडियो टू व्यूअर्स और 18, मतलब 18 के ऊपर ये वीडियो देख सकते हैं, 18 के नीचे के नहीं देख सकते लोग। तो टैग्स अभी लिखने का बाकी है दोस्तों। टैग्स में आप कुछ भी मतलब जो अपना वीडियो है उसके ऊपर टैग्स कर सकते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेटस, मैं ऐसे डाल लेता हूँ अभी, हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेटस। अगर आपका किसी दूसरे टॉपिक पे है तो
दोस्तों अगर आप ये देखिए दोस्तों, आपका जिस टॉपिक पर वीडियो बनाते हो वो वाला चॉइस करने का है, तो पीछे जाओ दोस्तों। अभी ना अभी देखिए दोस्तों, अभी इतना तो हो गया अपना दोस्तों। डिस्क्रिप्शन और टाइटल बहुत ज़रूरी है, और टैक्स डालोगे। अभी इधर मैं सेव कर दिया, तो ये देखिए रेस्ट्रिक्शन, मतलब मेरा वीडियो कॉपीराइट नहीं है इसलिए वो नॉन दिखा रहा है, और मेरा वीडियो अभी भी अनलिस्टेड में ही है। जब आप पब्लिक करोगे तभी पब्लिक में जाएगा। तो इसको पब्लिक करने के लिए ये जो पेंसिल वाला बेल आइकन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करने का, और अनलिस्टेड पे क्लिक करने का, और पब्लिक ऊपर पब्लिक दिख रहा है ना दोस्तों, पब्लिक कर देने। ये देखिए दोस्तों पब्लिक हो गया। अभी उधर सेव कर दूंगा तो अभी पब्लिक हो जाएगा, मतलब सबको दिखेगा वीडियो। अनलिस्टेड में सिर्फ मेरे को ही वीडियो दिखेगा बस।